समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ की गई किसान सम्मान योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, सरहदों के साथ हमें जो मामला रखने हैं वो सबके साथ यकसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर गरीब किसान अपने आलू और टमाटर की कुर्बानी मूल के लिए दे सकता है तो अडानी जी की बिजली की कुर्बानी अडानी जी नहीं देंगे। सारा कर्ज माफ होगा पूंजीपतियों का, यानी कितने हजार या कितने लाख करोड़ का कर्ज माफ हुआ है पूंजीपतियों का। तो अगर अडानी जी बिजली रोकें तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बड़ा झटका हो, उन्हें भी साथ देना चाहिए गरीब किसानों का, और खुद सरकार को इस बात पर सफाई देना चाहिए कि आखिर सरकार ने अडानी जी से ये क्यों नहीं कहा, बल्कि उनसे कहने की क्या ज़रूरत थी। सरकार को उसी तरह कनेक्शन काट देना चाहिए था जिस तरह जौहर यूनिवर्सिटी का पानी का कनेक्शन काट दिया। उस पर कुछ भी अगर हो सकता है तो होना चाहिए, कुछ भी अगर हो सकता है, मुल्क की सरहदों से और उसकी भाषा से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन मैंने ये सुना कि खुद भाजपा के एक नेता ये कह रहे थे कि बातचीत से हल होना चाहिए, जंग से नहीं। तो एक तो ये बात साफ होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी क्या है और सरकार की पॉलिसी क्या है।